दोस्तों ये देख सकते हैं, ये 16 खंबा मंदिर है। बारसूर में बहुत लोग आते तो हैं, लेकिन इसको बहुत कम लोग देख पाते हैं क्योंकि ये थोड़ा आउट एरिया में है। चलिए आप लोगों को दिखाते हैं ये 16 खंबा मंदिर। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ संदीप किशोर टुक्को और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग घूमने आए हैं बारसूर, ये दंतेवाड़ा ज़िले में पड़ता है। हम लोग दो लोग आए हैं, तो आज आप लोगों को दिखाएंगे बारसूर में क्या क्या है। ये इतिहास में आप लोग पढ़े होंगे 6वीं 7वीं सामाजिक विज्ञान में, तो उसी चीज़ को हम लोग दिखाएंगे, बत्तीसा मंदिर वगैरह। तो चलिए बने रहिए हमारे ब्लॉग पर दोस्तों। दोस्तों ये देख सकते हैं ये 16 खंबा मंदिर बारसूर का। यहाँ बहुत ही कम लोग आते हैं क्योंकि ये आउट एरिया में है। उधर बत्तीसा मंदिर उधर है, इधर लोग नहीं जान पाते हैं। ये देखिए पहले 16 खंबा मंदिर, ये 1 खंबा 2 3 4 5 6 7 और ये 8 और इधर 4 और इधर भी ये 2 था, यहाँ 1 और 1 यहाँ, जो भी टूट गया है। और इधर अंदर 7 खंबा है, 1 2 3 4 और 5, ये 6 और 1 7। इधर अंदर शिवलिंग बना है दोस्तों। इसको उतना अच्छा सरकार द्वारा संरक्षित नहीं किया जा रहा है, इस वजह से ये टूटते जा रहा है। ये आप लोग देख सकते हैं काफ़ी पुराना मंदिर है। ये इस तरह से बड़े बड़े पत्थर को ऊपर किस तरह से रखा गया है, इतना बड़ा बड़ा पत्थर को पता नहीं कैसे चढ़ाते थे होंगे। बिना सीमेंट बिना गिट्टी वगैरह का बनाते थे। और ये इधर का पीछे वाला सीन है, इधर भी बहुत सारे पत्थर बिखरे पड़े हैं अभी तक। कुछ खंभा इधर भी पड़ा हुआ है, शायद वो गिर गया होगा, पहले खंभा था। तो ये देख सकते हैं पीछे तरफ से, कुछ साल बाद ये गिरने की स्थिति में दिख रहा है। उतना सरकार द्वारा संरक्षित इसको नहीं किया जा रहा है। ये देखिए इस तरह से है। तो चलिए दोस्तों आगे और भी बहुत सारे मंदिर हैं बारसूर में, आप लोगों को दिखाते हैं। ये देखो दोस्तों, ये है मामा भांजा मंदिर बारसूर का, और इसको किसने बनवाया था पता नहीं, कहाँ लिखाया होगा बाद में बताएंगे। और ये अंदर का सीन है, ये देखिए अंदर का सीन। चलो अंदर प्रवेश करते हैं, और अंदर से इस तरह से है, शायद ये बीच में इसको बंद कर दिए हैं, ऊपर भी ऐसे होगा खोखला। और इधर देखिए
दीवार में कैसे बनाए हैं, ये चेन टाइप से इसको बनाए हैं देखिए। और ये दोस्तों ये जिप्सम वगैरह का नहीं है, ये केवल पत्थर का है, ये देखिए पूरा पत्थर और बिना सीमेंट। ये तो शायद अभी बाद में इसको किए हैं, पता नहीं कैसे जोड़ते थे होंगे। तो इस तरह से इसको बनाया गया है। ये देखिए कितना बारीकी से इसमें कारीगरी किया गया है, इसको तराशे हैं पत्थर को एक एक करके, बहुत मेहनत लगा होगा। और इधर है गार्डन बैठने के लिए। चलिए अभी बताता हूँ इसको किसने बनाया था। यहाँ पर लिखाया है संरक्षित प्राचीन स्मारक 2010, इसको संरक्षित किया गया है। यहाँ पर लिखाया है मामा भांजा का मंदिर, ग्राम बारसूर, तहसील गीदम। ये 15 मीटर का ऊंचाई है, इसका जो ऊंचाई है वो 13वीं शताब्दी में इसको बनाया गया है। और ये मंदिर के समीप से प्राप्त एक तेलुगु शिलालेख के आधार पर इस मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी ईस्वी में किया गया है। और वो तेलुगु शिलालेख मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये वाला है शिलालेख, तेलुगु शिलालेख, इसको आप लोग पढ़ने जानते होंगे तो बताइएगा। तो चलिए दोस्तों अभी चलते हैं, और दो तीन जगह देखना है बारसूर में, गणेश मंदिर और चंद्रादित्य मंदिर, तालाब और कौन सा है, हाँ बत्तीसा मंदिर आप लोगों को दिखाएंगे। तो बने रहिए हमारे ब्लॉग पर, अभी हम लोग दोनों जन जा रहे हैं। इधर देखो ये मेरे भैया प्रदीप और मैं संदीप। तो दोस्तों अभी हम लोग पहुंच गए हैं गणेश मंदिर, यहाँ पर जूता उतार देते हैं। और ये देख सकते हैं गणेश जी का विशाल प्रतिमा, बहुत बड़ा पत्थर को काट के बनाया गया है। पहले यहाँ पर घेरा हुआ करता था लोहे का, लेकिन अब शायद इसको फिर से बड़ा बनाने के लिए इसको खोल दिए हैं, रस्सी का घेरा बनाए हैं दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर गणेश जी का दो विशाल प्रतिमा है, एक ही पत्थर को इसको काट के बनाया गया है, इतना बड़ा बड़ा, इसको जोड़े नहीं है, अलग अलग पत्थर नहीं है, एक ही पत्थर है। मतलब पहले जमाने के राजा महाराजा लोग भी गणेश जी का पूजा करते थे, सदियों से पूजा करते आ रहे हैं लोग। और इधर भी है शिवलिंग, इसको तो शायद बाद में बैठाए होंगे। और इधर देखिए अवशेष पड़ा हुआ है पत्थर वगैरह का, मतलब यहाँ पर पहले कुछ बना था होगा, वो गिर गया होगा। ये भी कंप्लीट नहीं है, ये शायद कंप्लीट था होगा, गिर गया होगा। फिर ये बड़ा बड़ा पत्थर देखिए इधर। इसको भी छिंदक नागवंशीय राजा महाराजाओं के द्वारा बनवाया गया था, पता नहीं ये सब क्या है। एक ज़माने में बहुत बड़ा मंदिर हुआ करता था होगा। तो
अब यहाँ से चलते हैं आगे, फिर दिखाते हैं चंद्रादित्य मंदिर और बत्तीसा मंदिर। दोस्तों अभी हम लोग पहुँचे हैं चंद्रादित्य मंदिर। ये मंदिर है और ये है उनके द्वारा बनवाया गया बहुत बड़ा तालाब है। तो चलिए देखते हैं अंदर जाके, आप लोगों को दिखाते हैं मंदिर। अभी यहाँ कैमरे भी लग गए हैं। ये बहुत बड़ा विशाल तालाब है दोस्तों। ये है मंदिर का अंदर वाला भाग। चलिए अंदर मंदिर में प्रवेश करते हैं। ये देखो दोस्तों, बहुत बड़ा नंदी, उस ज़माने में इसको बनाया गया था पत्थर से। और कौन सा पत्थर है इसको देखिए, बहुत कठोर पत्थर है। ये मंदिर के अंदर गर्भगृह है। इसको एक बार बजाया था, कितना बार बज रहा है। बहुत बड़ा पत्थर था ये भी। इसको देखिए, एकदम डिटो सेम टू सेम बनाया है इसको। और ये कौन सा पत्थर है पता नहीं। ये खंभा, ये भी बहुत बड़ा खंभा है। पता नहीं इसको कैसे बनाए होंगे इतना बड़ा बड़ा पत्थर को। इतना मोटा मोटा पत्थर कैसे चढ़ाए होंगे। इधर तालाब, बहुत बड़ा तालाब है। और यहाँ देखिए दोस्तों, सरकार ने यहाँ पर CCTV कैमरा लगा रखा है, लेकिन ये भी ख़राब हो चुका है। इधर इसको शायद देखने कोई नहीं आता है। और इधर ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर मूर्ति बना के इसको चिपकाया गया है, रखा गया है मतलब। ये देखिए कई प्रकार का, पता नहीं क्या क्या चीज़ का है सब मूर्ति। इधर से आप लोग देख सकते हैं इतना मूर्ति। तो यहां से भी अब चलने का वक्त हो गया दोस्तों। अब यहां से जा रहे हैं हम लोग, और एक जगह बचा है आखिरी में, बत्तीसा मंदिर, उसको आप लोगों को दिखाते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये देख सकते हैं, ये है बारसूर का बत्तीसा मंदिर। 32 खंभों वाला मंदिर, इसको बत्तीसा मंदिर के नाम से जानते हैं। चलिए दिखाता हूँ मैं अंदर जाके कि मंदिर कैसा है। तो इस तरह से है ये मंदिर दोस्तों। पहले हम लोग वहाँ नंदी का एक मूर्ति देखे थे, और सेम टू सेम वैसे ही मूर्ति, ये देखिए बारीकी से इसको बनाया गया है, उसको कैसे सजाया गया है। ये कोई धातु वगैरह नहीं है दोस्तों, ये पत्थर है, ग्रेनाइट, पता नहीं कौन सा पत्थर है। ये अंदर का है।
अंदर वाला सीन। और इधर भी और एक मूर्ति है, यहाँ पर ये छोटा नंदीराज है, ये देखिए इसको भी सेम डिज़ाइन में बनाया है। इसका इसका एक पैर यहाँ पर टूट गया है। और इधर भी एक मंदिर है, जैसे उधर है वैसे इधर भी है सेम। इसको बंद कर दिए हैं, ताला लगाए हैं दो मंदिर। और इधर देखिए ये 32 खंभों वाला मंदिर है, यहाँ से गिनेंगे आप एक तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये 8, वो भी 8 और वो भी 8 और इधर ये वाला भी 8, तो कुल मिला के ये 32 खंभा होता है दोस्तों। यहाँ पर बच्चे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। आप देख सकते हैं ये बहुत बड़ा बड़ा पत्थर, पता नहीं इसको चढ़ाए कैसे होंगे, इतना बड़ा बड़ा पत्थर और बिना सीमेंट के बनाना और इसको ऊपर में चढ़ाना। ये सीमेंट तो अभी इसको लगाया गया है बीच बीच में, पहले उस ज़माने में सीमेंट नहीं हुआ करता था, पता नहीं कैसे बनाते थे इतना बड़ा बड़ा पत्थर और चौड़ा पत्थर, पता नहीं कैसे चढ़ाते थे होंगे। और ये खंभा पूरा एक ही पत्थर से इसको बनाया गया है, और लगभग लगभग सभी खंभा सेम साइज और सेम साइज है और सेम डिजाइन में है। ये देखिए ये मंदिर के बाहरी हिस्सा आप देख पा रहे हैं, एक हजार साल पहले का मंदिर अभी भी लगभग उसी स्थिति में है। ये ज़्यादा कुछ ख़राब नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी इसको संरक्षित करने की ज़रूरत है सरकार को। तो इस तरह से ये मंदिर है दोस्तों, 32 खंभों वाला मंदिर। इसको हम लोग जब बचपन में 6वीं 7वीं पढ़ते थे तो सामाजिक विज्ञान में पढ़े थे 32वां मंदिर, और अब यहाँ आके हम लोग देख भी लिए। ये है दंतेवाड़ा क्षेत्र का बारसूर मंदिर, तो यहाँ पर समाप्त होता है हमारा बारसूर वाला टूर। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आज का मंदिर दर्शन पुरातत्व स्थान कैसा लगा आप लोगों को, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भैया से पूछते हैं कि आज का टूर उनको कैसे लगा, वो पहली बार आए हैं, कैसा लगा यार? इधर देख के बोलो। इधर जूता का लेस बांधने में बिजी हैं।